हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज योर ब्रो जबरदस्त जीतू इज अगेन। वेलकम टू दिस ब्लॉग। तो पहली बार हम ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी में, क्योंकि हमारा एक भाई ने बोला था कि वो गांधी कॉलेज वाला जो वीडियो हमने डाला था, गिफ्ट कॉलेज वाला, तो उसने बोला कि भैया थोड़ा हिंदी में डाल दो। तो भाई ने बोला तो कैसे नहीं मानेंगे हम, तो हिंदी में डालेंगे पहली बार। तो मैं तो कॉलेज का ड्रेस पहन चुका हूँ, तो चलिए चलते हैं कॉलेज की तरफ। तो मेरा है MCA सेकेंड ईयर, ये MCA का ड्रेस है, तो चलिए चलते हैं, चल के बात करते हैं वहाँ पे। जी यही है एंट्री कॉलेज का, गिफ्ट कॉलेज का एंट्री है, यही है। तो कैसे, अरे पहुँचे नहीं, कॉलेज के बारे में बात होना शुरू गया। जी हाँ, कैसे पहुँचे, कहाँ से जाएँ, क्या करें, ट्रांसपोर्ट के बारे में। चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले, उसके बाद ही देखेंगे कॉलेज। तो आपको गिफ्ट कॉलेज जाने के लिए आपको पहले पहुंचना पड़ेगा गंगापड़ा। गंगापड़ा कहाँ से बॉस पकड़े, कैसे आए, तो चलिए बात करते हैं उसी के बारे में। तो आप किसी कोने से भी आ जाए, इंडिया से किसी कोने से भी आ जाए, तो भुवनेश्वर का बस स्टॉप जो है बरमुंडा, वहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा पहले। अगर आप आते हैं ट्रेन में, तो रेलवे स्टेशन मास्टर कैंटीन के नाम से जो जाना जाता है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, मगर वहाँ से ऑटो करके जाना पड़ेगा या फिर मो बस करके जाना पड़ेगा, जैसे हम जा रहे हैं। तो मो बस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। मो बस भुवनेश्वर में हर जगह चलता है, हर जगह। आप भुवनेश्वर कहाँ भी घूमना चाहते हैं तो मो बस चलता है। हमको सिर्फ मतलब है गिफ्ट कॉलेज पहुँचने का। तो गिफ्ट कॉलेज पहुँचने के लिए आप बरमुंडा, जो कि बस स्टॉप है, मास्टर कैंटीन जो कि है रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर का, उसके अलावा खोर्धा जंक्शन जो कि पास में ही है, गिफ्ट कॉलेज के पास में ही है वो खोर्धा जंक्शन जो कि रेलवे स्टेशन है, मगर वहाँ से बस पकड़ने की दिक्कत होती है। अगर आप आना चाहते हैं तो ऑटो रिजर्व करके वहाँ से आ सकते हैं। तो बात कर रहे थे मो बस के बारे में, तो मो बस में आने के लिए आपको ज़्यादा फेयर नहीं लगेगा। मास्टर कैंटीन से 35 एंड बरमुंडा से आपको लग जाएगा 25। तो चलिए हम तो गंगापड़ा पहुँच गए, गंगापड़ा से गिफ्ट कॉलेज कैसे जाएंगे उसी के बारे में बात करते हैं। हमारा गिफ्ट कॉलेज को कहते हैं, मानी शेयरिंग रे कहते, रिजर्व रे कहते। तो जैसे कि भैया जी से हमने बात की है, तो उन्होंने बोला कि पर हेड आपको रिजर्व का लग जाएगा 60 रुपीज़ एंड पर हेड आपको शेयरिंग में लग जाएगा 15 से 20 रुपया। ठीक है, तो चलिए कॉलेज चलते हैं। तो आप जब भी आओगे गंगापड़ा में, हमेशा खड़ा रहता है ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा पकड़ के आप इजीली गिफ्ट कॉलेज आ सकते हैं। तो आप आके सिंपली बोलना है भैया गिफ्ट कॉलेज चलेंगे, तो वो आ जाएंगे। तो हमारा कॉलेज तो सामने दिख रहा है, तो चलिए चलते हैं हमारे कॉलेज की तरफ। तो जल्द ही पहुंच जाते हैं हमारे कॉलेज, कॉलेज की तरफ पहुंच के थोड़ा बातचीत करते हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में जितना बोला उतना काफ़ी है शायद, तो चलिए अब चलते हैं हमारे कॉलेज, कॉलेज की तरफ बात करते हैं। कॉलेज तो खूबसूरत। चलते हैं मंजिल की तरफ, गिफ्ट कॉलेज की तरफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमको दिख जाएंगे राइट साइड में अभी भैया, जो कि है हमारे कॉलेज का सिक्योरिटी, तो उनसे थोड़ा बातचीत हो गया हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमको लेफ्ट साइड में नज़र आ गया हमारा कार पार्किंग, जो कि है ठीक आगे से लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है हमारा बाइक पार्किंग, जो कि बहुत भीड़ रहता है, और हमारा खट्टी यहीं पे चलता है। तो चलिए मिलते हैं हमारे कुछ दोस्तों से, यहाँ बातचीत करते हैं। तो ये दो आ रहे हैं हमारे दोस्त, ये रहा स्मृति, ये रहा आम्या। हाय तो बनता है ना। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। देर तो हो गया, 8:30 में क्लास था, अब तो 9 बज गया है। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ और दिखाते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, क्या बोलते हो। मीट मिस्टर आनंद एंड मिस्टर विकास। तो ये दोनों बिहार से हैं, हमारे दोस्त हैं। कॉलेज के बारे में क्या कहना है? कॉलेज के बारे में, MCA डिपार्टमेंट। और एंड आवर कॉलेज इज एक्रेडिटेड बाय NAC A एंड टुडे आई हैव कम फॉर डूइंग द क्लास ऑफ जावा JEEE बिकॉज माय HOD will provide the class for Java.
सो आई हैव कम हियर फॉर ट्वेंटी क्लास ऑफ जावा. थैंक यू. ट्रेनिंग चलते हैं क्लास की तरफ. तो उस तरफ तो गेट है, गेट से हम एंट्री होते हुए ये सब क्लासरूम का एरिया है. उसके पीछे भी बहुत सारा है, हम आगे देखेंगे. उसके बाद ये रहा हमारा कॉलेज कैफेटेरिया, उसके ऊपर में रहा हमारा कॉलेज कैंटीन, उसके बाद जिम वगैरह, उसके बाद है हमारा इंडोर गेमिंग के सब चीज़ें हैं. एक्सप्लोर तो नहीं कर सकते मगर बोल दिया आएंगे तो देखेंगे. तो चलिए कैफेटेरिया चलते हैं. तो कॉलेज कैफेटेरिया के अंदर जब आओगे इंटरफेस तो कुछ ऐसा नज़ारा आएगा. उसके ये है हमारा डोसा, डोसा भी मिल जाएगा, उसके बाद बिरयानी मिल जाएगी, ढेर सारी चीज़ें मिल जाएगी. जो आगे विश्वाई का दुकान है, हम जब आते हैं तो विश्वाई के दुकान में आते हैं हर वक्त, वहाँ से हमारा सेट वगैरह सब मिल जाता है. उसके बगल में एक वेराइटी स्टोर जैसा कुछ है, केक वगैरह मिल जाता है. उसके बाद सीधा हमारा जेंट्स पार्लर भी है, तो सब कुछ मिल जाएगा कैफेटेरिया के अंदर. और ऊपर में है हमारा कैंटीन. कैंटीन में तो देखेंगे और थोड़ा घुमा के दिखा दीजिए. तो हमने तो दो बनाना शेक ले लिया, जिसका हमारा कॉस्ट कितना हुआ? 25. एक का 25? नहीं हाँ. तो टेस्ट कैसा है? बढ़िया है. और क्या क्या? पाइनएप्पल वगैरह, मैंगो मैंगो सब मिल जाता है. ओरियो वगैरह मिल जाता है? ओरियो नहीं मिलता. हाँ मिलता है, हाँ मिलता है. तो चलिए हमारा बनाना शेक को ख़त्म करते हैं. तो ये रहे हमारे विश्वाई, हो रहा पूरा का पूरा हमारा चाट. तो जो भी चाहिए यहाँ से देख लेना, गिफ्ट कॉलेज के कैफेटेरिया के अंदर है. तो गिफ्ट कॉलेज में जब भी आओगे तो कंस्ट्रक्शन तो चल रहा होगा, कहीं पे भी देख लोगे तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है. यहाँ पे हर वक्त कंस्ट्रक्शन तो चल रहा है. तो कॉलेज भी वैसा है. हमने तो गार्डन तो अभी तक टूर नहीं किया और फील्ड में नहीं देखा, तो आगे आगे देखेंगे. तो उस तरफ कॉलेज का गेट जो एंट्री है कॉलेज का, और ये है कॉलेज का एंट्रेंस. उसके सीधे में है वो कॉलेज का कैफेटेरिया, उसके बाद कैंटीन. वो सीधे जाता है बॉयज़ हॉस्टल में, वो सीधा रास्ता जो दिखता है बॉयज़ हॉस्टल. और उस तरफ है हमारा ग्राउंड है, गार्डन है, और वो जो सर्कल होके वहाँ से गुजरता है गर्ल्स हॉस्टल. तो हमारे दोस्त जो चल रहे हैं यहाँ पर, उस तरफ भी कॉलेज का अंदर को रास्ता है, वहाँ पे एंट्रेंस की तरफ भी जा सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं. विकास जसवाल उससे कुछ पूछ लो. हेलो जबरदस्त जीतू इज वाचिंग मी. तो चलो लिफ्ट से दिखते हैं हमारा कॉलेज का व्यू दिखते हैं. अरे चलो सब चलो, सब चलो, चलो बंद कर लो. मुझे पता है इसको दे ऑपरेट करने के लिए. ये रहा पूरा का पूरा, यही रहा मेरा कॉलेज जहाँ पे बरसों पढ़ाई करने के बाद नहीं मिला अभी तक ऐसा भी नॉलेज. ये रहा हमारा गिफ्ट कॉलेज, वो उस साइड में दिख रहा है पहाड़. अच्छा है नंबर वाली. तो ये रहा हमारा कॉलेज का पूरा व्यू. तो ये रहा हमारा जिम सेक्शन, और थोड़ा इंडोर का भी है यहाँ पे, वो कैरम वगैरह दिखा हो रहा है थोड़ा बहुत. और चलिए चलते हैं, हमारा जो गैंग है घूमते हैं पूरा.
तो ये रहा हमारा कैफेटेरिया और कैंटीन का ऊपर, छत के ऊपर जो बोल सकते हैं, छत के ऊपर है। तो हमारे पिछले तरफ देख सकते हैं पूरा पहाड़ है यहाँ पे, और गिफ्ट कॉलेज का कैंपस है वहाँ पे। तो कैसे दिखाएंगे, खूबसूरत कैसे बयां करेंगे, क्या दिख रहा है विकास, कैसा लग रहा है? टुडे आई एम फीलिंग वेरी वेल बिकॉज आई एम ऑन द रूफ एंड टॉप ऑफ द फ्लोर्स ऑन द गिफ्ट बिल्डिंग, सो आई एम फीलिंग वेरी वेल एंड दिस इज अमेजिंग। ओके ब्रदर, तो दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट्स ऑफ दैट माउंटेन्स, लेट्स सी। ये रहा पूरा का वो एंट्रेंस, तो उस तरफ था हमारा। उसके बाद ये रहा हमारा कॉलेज का क्लासरूम्स वगैरह, उसके बाद इस तरफ है वो कैफेटेरिया के पीछे, मैंने जैसे बोला। ये रहा हमारा बॉयज़ हॉस्टल, ये 2-3-4 बॉयज़ हॉस्टल हैं पूरा का पूरा। और वहाँ उस तरफ और एक कॉलेज है, वो तो पहाड़ दिख रहा है, हाँ भुवनेश्वर इंजीनियरिंग कॉलेज है। और उस तरफ है गर्ल्स हॉस्टल, मैं दिखा रहा हूँ, उस तरफ है गर्ल्स हॉस्टल, वो जो राउंड था उससे राउंड से इस तरफ होके वो प्ले ग्राउंड है, उसके बगल में ही है गर्ल्स हॉस्टल। हाँ, जहाँ से पानी गिरते हो, झरना हाँ। चलेंगे। वरुणई में तो झरना नहीं है, जाने नहीं ठीक से। अच्छा, तो पहले दिन हम जब कॉलेज आए थे ऊपर में हम गए थे, मैं और ये अम्य था मेरा रूममेट, और गौरव शाह जिसको तुम जानते हो, बहुत सारे ब्लॉग में भी देखे हो, वो हमारे ऊपर आए थे, बैठे हुए थे पहले दिन में, तो वो तो अलग ही फीलिंग था। तो देखते हैं क्या है आगे, थोड़ा प्लान चल रहा है चिल्ली का वगैरह जाने का, तो देखते हैं। मेरे आगे मूसक राज, तो ये रहा हमारा खूबसूरत सा गार्डन। तो चलिए चलते हैं प्ले ग्राउंड की तरफ, देखते हैं ग्राउंड कैसा है, कैसा नहीं है, कितना बड़ा है कि नहीं, तो देखते हैं प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड तो रहा मेरे सामने, तो देखिए प्ले ग्राउंड कुछ इस तरफ दिखता है, इतना बड़ा है। इस तरफ तो बास्केटबॉल का फील्ड है, उस तरफ बास्केटबॉल का, ये रहा क्रिकेट, उस तरफ वॉली फुटबॉल का भी है। तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा प्ले ग्राउंड। तो चलिए, क्लास का तो टाइम हो गया, क्लास तो करने आते हैं, थोड़ा बहुत तो व्लॉगिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ, और बीच बीच में दिखाते रहते हैं आपको। तो एंट्रेंस तो हम ले लिए, एंट्रेंस की ठीक लेफ्ट साइड में ही है प्रिंसिपल का चैम्बर। तो प्रिंसिपल के चैम्बर होते हुए हम आगे बढ़े, और एडमिशन सेल वगैरह सब आगे दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ घूमते रहिए। ग्रुप में और एक भी मेंबर है जिसका नाम है विनोद। कुत्ते की आवाज जो निकल जाना, हाँ वो कुत्ते की आवाज में, वो पूरी वाला ब्लॉग में और हॉस्टल वाला ब्लॉग में, सारा तो ओडिया में है, मगर ये पहला जो है हिंदी में है। तो ओडिया ब्लॉग जिसने भी देखा होगा तो देखा होगा विनोद को, अच्छे नाम से पहचानते हैं सब। तो ऐसा बहुत कुछ क्लास है, ये तो ग्राउंड फ्लोर का है, अपर फ्लोर में भी है, मगर बहुत सारा क्लासरूम है। और फोर्थ फ्लोर तो है, हम तो फोर्थ फ्लोर तक नहीं जाएंगे, मगर फर्स्ट फ्लोर में दिखाएंगे थोड़ा, और क्लास भी है चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं, चलो ये रहा फर्स्ट फ्लोर। Thank you.
क्या कैसा लगा हमारा कैंपस? अच्छा था ना गुरु? तो इस तरफ तो है एडमिशन सेल 212 में, उसके साइड में देते हुए उस तरफ जाएंगे तो 216 में है कैरियर गाइडेंस सेल, उसके बगल में है प्लेसमेंट सेल 217, उसके बगल में 218 में कॉन्फ्रेंस सेल। सब फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में है एंट्रेंस, उसके बगल में आ जाएंगे तो ऊपर में है ये सब। क्या हुआ? अब बारिश हो रहा है, भीगेगा नहीं तो क्या होगा भाई? तो बारिश तो बहुत जोर से उठा यार। क्या बोलते हैं बारिश? हिला है, बारिश अभी हो रहा है तो पहले वो क्या बोलते हैं आया था पहले तूफान? हाँ तूफान नहीं, बारिश तो उठाया था या फिर क्या बोलते हैं मेट मिस्टर रम्य रंजन, मिस्टर अरुण कुमार मैक। बारिश तो हो रहा है। ये जो सेकंड फ्लोर में है वो लाइब्रेरी है वहाँ पे, और हम यहाँ पे खड़े थे तो कॉलेज का कैंपस ऐसा ही कुछ दिखता है। ये तो कॉलेज का कैंपस है वो बीच वाला, यहाँ पे एक ब्रिज है वो यहाँ से वहाँ तक इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा इसीलिए ये ब्रिज है। वो फर्स्ट फ्लोर में भी है और उस तरफ है पहाड़ जो कुछ ऐसा बोले तो माउंटेन 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 ड्यू डर के आगे जीत या बॉयज। तो देखिए कैसा दिखता है। अच्छा है भाई साहब शहर। क्या बोलता है? सेंट्रल लाइब्रेरी। हाँ सेंट्रल लाइब्रेरी, कोई यहाँ पे पढ़ने नहीं आए, वक्त चुकी कर रहे हैं। ओह कौन मगई चो बिरयानी? ना ना ओडिया ही वाला मेट मिस्टर सचिन सामल, द न्यू मेंबर इन आवर ब्लॉग। उड़िया में तो बहुत सारे देखे होंगे, हिंदी में पहली बार। इसको तो देखे होंगे, पहचानते हैं लेफ्टी, इसको तो पहचानते हैं। तो बिरयानी हमने तो ले लिया है तो ठूस दे। तो भाई और बहनों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल गई होगी गांधी कॉलेज के बारे में, गिफ्ट कॉलेज के बारे में। तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ और बातें जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलते बाय बाय। आनंद खाली खराब भाषा कहूँ, बिहार केवल खराब भाषा कहूँ, आउे अन्य बरा चोरी कर खाऊ रात बरा खाऊ। विकास जायसवाल तो यहीं पे है, चलो उनसे कुछ बात कर लेते हैं। विकास सुनो बताओ आज बिरयानी कैसा था? वेरी वेरी टेस्टी था बिरयानी सर जी, खाया और बड़ा मज़ा आ गया। मैं चाहता हूँ कि अपने टॉप ठीक है दो तीन चार ऐसे करके घूम रहे हैं कॉलेज के बीच में। थोड़ा वो जो जिम था उसके नीचे ही फ्लोर में आ गया, तो दिखाने के लिए क्या है क्या नहीं है। तो हमारे दोस्त लोग आ गए हैं, चलिए चलते हैं नीचे।